झूले के एक और बकचोदी भरे वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह के 9:10 हो रहे हैं। तारीख है आज 13 नवंबर 2018 और आज ये मेरी आखिरी दिन है यहाँ जापान टोक्यो में। और फिलहाल मैंने सुबह ये देखिए आपका ऑन द गो 7-Eleven से कॉफ़ी का कैन और साथ में दो जाम ब्रेड टाइप्स कुछ चीज़ें उठा ली है। वॉक करते हुए जा रहा हूँ आपका सेंसोजी टेंपल एरिया में और मैं नहा धो के तैयार हूँ। पूरा देख लीजिए, बिल्कुल कपड़े बदल गए, जैकेट एक ही लाया हूँ तो वही पहनना पड़ता है। और वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि शाम को कल गया था मैं, तो मैंने बताया था कि जैसे कि काफ़ी सोविनर शॉप्स क्लोज थे तो एक टी शर्ट तो लेनी होती है नए देश में, तो उसने उधर वॉक कर रहा हूँ कि एक टी शर्ट ले लूँ। फिर से उसी रोड पे आ रहा हूँ, सामने फिर से क्या कहते हैं आपका भारतीय रेस्टोरेंट मुस्कान दिखाई पड़ेगा मेरे को। ये देखिए 9:10 और लगभग 3 से 4 घंटे मेरे पास, 1 बजे शाम को 4:30 की फ़्लाइट है मेरी, तो मैं लगभग 2-3 घंटे घूमूंगा, फिर 3 से 4 घंटे घूमूंगा, उसके बाद फिर यहाँ से आपका एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँगा। चलिए वॉक करते हैं। सुबह सुबह का अच्छा मौसम, जनता ऑफिस जाती हुई और हम मंदिर के दर्शन करते हुए। फिर मैं तो पहुँच गया आपका सेंसोजी एरिया में, काफ़ी दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं अभी, ये भी बंद है और लेकिन फिर भी जितना शाम को जितनी खुली हुई थी उससे ज़्यादा खुल चुकी हैं। तो फिलहाल इसको कहीं पे कचड़े को डिस्पोज़ करता हूँ और सामने आपका ये सेंसोजी टेंपल मेरे से आप सामने देख रहे हो, तो मैं इस कहीं कचड़े को डिस्पोज़ करता हूँ और फिर देखता हूँ कि कुछ मिल जाए आपका एज अ सोविनियर ले जाने के लिए। सोविनियर क्या मतलब, फॉर्मेली तो एक टी शर्ट ही ढूंढ रहा हूँ मैं। कबूतर खाना दादर की याद अभी किमोनो आपको आगे से इसका टोक्यो स्काई ट्री दिखाता हूँ। रात में दिखाया मैंने कई बार लाइट जलते हुए, अभी दिन के उजाले में आप देखो ऑप्शन। अगर खाने पीने की चीज़ें लेके जानी है तब भी काफ़ी ऑप्शन हैं यहाँ पर, आपका दुकानें काफ़ी खुली हैं। और मेरे दाएं साइड में आपका दिख रहा है ये देखिए वो सामने आपका टोक्यो स्काई ट्री। यही खास बात है सेंसोजी एरिया की, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा हैपनिंग होता रहता है। देख रहे हैं आप, देखिए हम टूरिस्टों की जनता है डॉन क्विटो जो साढ़े 10 बज गए हैं और अभी भी मेरे पास लगभग 1.5 घंटे हैं एयरपोर्ट निकलने से, 1.5 घंटे मतलब मैं 2 घंटे तक भी 12:30 तक निकलूँगा तब भी आराम है, आधे घंटे की जर्नी है ट्रेन से। तो 2 एयरपोर्ट हैं, मैं लैंड करा था नरिता एयरपोर्ट है जो कि थोड़ा सा दूर है, और आपका जो ये वाला दूसरा एयरपोर्ट है हनेडा वो कंपेटिवली क्लोज़र है, तो वहाँ से फ़्लाइट है। तभी है मेरे पास 4:30 फ़्लाइट है, तो 1 बजे टाइम निकलूँगा, तो अभी भी मेरे पास 2.5 घंटे हैं। तो इसी सिंजुकू एरिया में, सिंजुकू के बारे में सेंसोजी टेंपल के आसपास में ही एरिया में डाल रहा हूँ सामने आप। मैंने ये दिखा था मेरा बैग, देखिए आप जो भी कुछ खरीदना था मैंने खरीद लिया है। 2 चीज़ें जो कभी भी आइए तो यहाँ से ले जाना बनता है, वो एक इनमें से एक है आपका वसाबी चॉकलेट्स, वसाबी से बनी हुई कोई भी चीज़, और दूसरा आपका ग्रीन टी की चीज़ें काफ़ी हैं खाने पीने के लिए यहाँ पर। तो 2 चीज़ें मैंने ली हैं, एक वसाबी चॉकलेट्स ले लिए हैं और आपका ग्रीन टी चॉकलेट्स ले लिए हैं। ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे सोविनियर शॉप्स वगैरह से, मैं जो है थी मैंने जो उससे पहले दिखाया आपको वहाँ पे
आपकी मर्जी, आप कहाँ से लेते हो? हाँ, आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हो चाहो तो, पर मैंने अवॉइड कर लिया कि एयरपोर्ट पे नहीं लूँगा, यहीं से जो लेना है वही लेके जा रहा हूँ मैं। और आपका ये पहुँच गए हम तोबू लाइन एंट्रेंस, सामने आपके आ गया हमारे टोक्यो स्काई ट्रेन। रोड क्रॉस करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको, काफ़ी सुंदर है। यदि मैं रात में आया था और एक काम करता हूँ, मैं मेट्रो लेके उस साइड ही जाता हूँ, अभी है मेरे पास टाइम, वहाँ से हो गया फिर मैं वापस आता हूँ। चलिए ये कर लेते हैं, एक बार मैं मेट्रो का प्लान देखता हूँ और फिर ऊपर जाके ट्रेन से आपको वहाँ तक का नहीं गया अभी तक मैं ट्रेन से, तो सोचता हूँ कि वो भी कर लेता हूँ। चलिए चलते हैं अंदर आपका आसापुसा स्टेशन नॉर्थ में। जी मैंने जो मेट्रो बोली थी वो आपकी स्काई ट्री वाली लोकल लोकल ट्रेन वो ले ली, रात में आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए सामने भाई टेम्पूरा वाली बिल्डिंग सामने, और ये बिल्डिंग सामने भी आपका, और एक ब्रिज अंदर आपका, इसके पीछे आपका स्काई ट्री है, नेक्स्ट आपका स्काई ट्री है। भाई कहाँ गया, गया हो गया सामने गया। और लो जी इसके लिए हमारे वही गायब हो गया लग रहा है, ढूंढेंगे तो हम भाई है, उधरते हैं फिर ढूंढते हैं।